साथियों नमस्कार। जय हिंद। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई वीरगति को प्राप्त हो गया। आपने कभी सुना है कि बेटर कैजुअल्टी क्या होता है? जो जवान, चाहे वो सेना के और सैनिक बलों के हों, युद्ध के दौरान जब उनको कैजुअल्टीज होती हैं, दुश्मन की गोलियां लग जाती हैं या अन्य कोई चोट लग जाती है, तो उसको जो है बैटल कैजुअल्टी कहा जाता है। उसके बाद इन परिवारों के साथ तमाम ऐसी दिक्कतें आती हैं इनको, जिनके बारे में मुझे लगता है कि गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। अब कैन की परेशानियाँ हैं, कैन के मुद्दे हैं, ये खुद परिवार एक बैटल कैजुअल्टी से संबंधित परिवार अपनी पूरी जो है लाइफ स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा है। हम चाहेंगे आप इनकी बातों को आगे तक पहुँचाएं। वीडियो को कुछ नहीं करना, वो खाली वीडियो को शेयर करना है अधिक से अधिक, ताकि उस स्तर पर पहुँचे, ये रक्षा मंत्रालय तक पहुँचे, भारत सरकार तक पहुँचे और उनको उस ग्राउंड रियलिटी का पता चले कि किस किन किन प्रॉब्लम से एक बैटल कैजुअल्टी का परिवार गुजर रहा है, जबकि इस परिवार को 100% कैजुअल्टी थी। तो शेयर कीजिएगा, सुनिएगा पूरे वीडियो को। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मेरा नाम बरिंदर सिंह जसरोटिया है, सन ऑफ लेट श्री सुभाष सिंह जसरोटिया, सेना मेडल। ये मेरे माता जी हैं जिनको वीर नारी सम्मानित किया गया है इंडियन आर्मी से। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा संदीप सर का, जिनका यूट्यूब पर रॉयल सोल्जर नाम से चैनल है। इन्होंने हमारी समस्या को सुना, बहुत ही गंभीरता से लिया और हमारा सहारा बने। हम लोग इंडियन आर्मी की बैटल कैजुअल्टी परिवार से हैं और बैटल कैजुअल्टी परिवार को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या नहीं, आज तक हम उन मुसीबतों में हैं। आप सबके साथ ये बातें मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि आज तक हमारा कोई भी सहारा नहीं बना और शायद आगे भी कोई ना बनेगा जब तक हम ये बातें आप तक ना पहुंचाएंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि ये कैजुअल्टी कहां से होती है। मेरे पिताजी पंजाब रेजिमेंट में थे और 1998 में उनकी यूनिट कश्मीर घाटी में तैनात थी। कश्मीर घाटी में उनका कुछ आतंकवादियों के साथ मुकाबला होता है, जहां पर वो अपने बहादुरी का परिचय देते हुए दो आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देते हैं और उसी दौरान उनको एक कैजुअल्टी होती है, जहां पर दो उनके पेट में गोलियां लगती हैं और कुछ गोलियां उनकी टांग पर लगती हैं, जिस कारण उनकी टांग को वहीं पर काट दिया जाता है और फिर हॉस्पिटलाइज उनका 4 महीने ट्रीटमेंट चलता है, जहां पर उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और डॉक्टरों ने बहुत ही संघर्ष किया उनको बचाने के लिए। उस दौरान हम हॉस्पिटल उनसे मिलने जाते थे, तब हमें डॉक्टरों ने यह बात बताई थी कि इनके वो गोलियां जो है वो इनकी किडनी को शुकर गई हुई हैं, तो आने वाले टाइम पर इनको किडनी प्रॉब्लम भी आ सकता है। 4-5 महीने ट्रीटमेंट चलने के बाद वापिस ये अपनी यूनिट को ज्वाइन करते हैं और 2000 सन में इनको ग्लेंट्री अवार्ड सेना मेडल से नवाजा जाता है। फिर शुरुआत होती है मुसीबतों की, जब से इनको गोलियां लगती हैं, जब से इनका एनकाउंटर होता है, तब से ये मुसीबतें शुरू होती हैं हम पर। लेकिन 2003 में इनको बोर्ड पेंशन भेज दिया जाता है घर पर, और 2003 में जब इनको बोर्ड पेंशन भेज दिया जाता है, तब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती थी सरकार की, जहां पर सरकार की चूक है। तब सरकार को सोचना चाहिए था, ये एक वो जवान है जो अपने इस देश के लिए सब कुछ निशावर कर आया है, इस देश के लिए उसने अपना पूरे शरीर को क्षतिग्रस्त किया है। यहां पर सरकार का कर्तव्य बनता था कि ये जवान जो 32 साल की उम्र में अपना सब कुछ निशावर कर आया है इस देश के लिए, और हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जवान दोबारा दूसरी नौकरी करने लायक नहीं है, इसीलिए इस जवान के लिए कुछ ना कुछ हमें सोचना चाहिए जो ये घर बैठकर काम कर सके, या फिर इसको एक ऐसा एक बिजनेस दिया जाए जो ये आराम से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और इसकी फैमिली भी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सके और इसको गर्व हो सके कि भारतीय इस देश के लिए मैंने ये बहादुरी का काम किया और इस देश ने मुझे ये तोहफा दिया हुआ है। अब शुरुआत होती है 2005 से, जब इनको किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया था। 2005 से इनका ट्रीटमेंट शुरू होता है, इनका ऑपरेट होता है, इनको बहुत ही मुश्किल से बचाया जाता है, जो कि इनके पेट पर डुप्लीकेट पाइप्स पड़ी हुई थी जिससे इनका बचाव हुआ था। वहां से इनका ट्रीटमेंट शुरू होता है, लगातार हॉस्पिटल जाना हम लोग शुरू करते हैं, दिन रात हॉस्पिटल देखना शुरू करते हैं। यहां हम बच्चे छोटे छोटे थे, जो कि कोई 6 साल का, कोई 10 साल का और कोई 9 साल का, इस तरह की हमारी एज थी। हमारे माता पिता ने लगातार हॉस्पिटल जाना शुरू किया, जो कि महीने के 15-15 दिन 20-20 दिन लगातार हॉस्पिटल रहते थे और हम लोग लगातार घर पर। हम लोगों ने अपना बचपन अच्छे से नहीं जी पाए, हम लोग अपने माता पिता के साथ बचपन नहीं गुजार पाए, हम लोग अपने माता पिता के साथ रह नहीं सके। हम लोग जब स्कूल जाते थे, कई बार कुछ खाकर सुबह जाते थे और कई बार कुछ भी नहीं खाकर, खुद सुबह उठना, तैयार होना, कभी जल्दी पहुंचना, कभी स्कूल लेट पहुंचना,
स्कूल से जब घर आना, घर पर हमें कोई बुलाने वाला नहीं होता था, घर आकर कोई खाना खिलाने वाला नहीं होता था। इस तरह की होती है पैटल कैजुअलिटी परिवार की जिंदगी। उसके बाद मेरे माताजी, जिन्होंने इतना संघर्ष देखा है, इतनी बुरे दिन देखे अपनी जिंदगी के, कोई हिसाब ही नहीं है। वो लगातार हॉस्पिटल में रहे, लगातार मेरे पिताजी के साथ। मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट आर्मी हॉस्पिटल से आर्मी द्वारा करवाया जाता था, जो कि उनका तो आर्मी ही पेड कर देती थी, लेकिन जो अटेंडेंट है साथ में, जो लगातार उनके साथ रहते, इनके बारे में कभी किसी ने सोचा कि कितना खर्चा होता है? लगातार जब हॉस्पिटल होता था, लगातार हम लोग पठानकोट, जम्मू, जलंधर, चंडीगढ़, यहाँ हम जगह जगह हॉस्पिटल गए हैं। हर जगह हमने ट्रीटमेंट करवाया है, जो कि हफ्ते में कई बार दो दो बार जाना पड़ता था, और हफ्ते में कई बार तीन तीन बार जाना पड़ता था। इतना ट्रीटमेंट होने के बावजूद, इतना सारा हम लोगों ने स्ट्रगल देखा, और इसी दौरान हम लोगों ने बहुत सा कर्जा भी उठाना पड़ा। हम लोगों के नाम पर पिताजी ने रिटायरमेंट आकर 50-50 हजार की FDs करवाई थी, जो कि वो ट्रीटमेंट के दौरान सब छुड़वानी पड़ी। मेरी माताजी ने, इनके पास जो भी गहने थे वो सारे उस ट्रीटमेंट में चले जाते हैं, और हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता। ये सारा कर्जा ऊपर चढ़ता गया लगातार, 2005 से लेकर 2015 तक। मेरी माताजी लगातार हॉस्पिटल में एक एक महीना रहते थे, और हम लोग लगातार घर पर बच्चे अकेले रहते थे। 2005 से 2015 इसी दौरान हमारा हॉस्पिटल में ही गुजरा है, और उस दौरान बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, बहुत सी बातों को सुनना पड़ा है, और उसी दौरान 12 लाख का कर्जा भी हमारे सिर पर चढ़ा है, जो कि मेरे पिताजी ने 2015 में अपनी आखिरी सांसें ली थी। और जब वो चले गए, पीछे बहुत सी चीजें छोड़कर चले गए, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर चले गए। लेकिन आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा, क्या यहां सरकार का कर्तव्य नहीं बनता है कि जिस समय एक जवान, एक शहीद परिवार और एक बैटल कैजुअलिटी परिवार, जो एक जवान होता है वो अपनी पूरी सर्विस करता है अच्छे रैंक के साथ, उसको पूरी सर्विस में कुछ भी नहीं होता, वो एक बहुत ही अच्छे रैंक के साथ रिटायर आता है, उसका परिवार हंसता खेलता हुआ घर पर रहता है, और वो जवान घर आकर रिटायरमेंट के बाद एक और नौकरी करता है जो कि अच्छा खासा अपने परिवार को चला सकता है। उसी के साथ जो शहीद हो जाता है, बहुत दुख होता है, जो इस देश के लिए अपने जान निछावर कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, हमें उनके बहुत दुख है, लेकिन सरकार उसके बारे में बहुत अच्छा सोचती है। उनके परिवार को एक बिजनेस कुछ ना कुछ मिलता है, चाहे वो गैस एजेंसी हो, चाहे वो पेट्रोल पंप हो। उनके परिवार को फाइनेंशियल हेल्प की जाती है, उनके बच्चों को हर सहूलियत दी जाती है, उनके घर पर एक नौकरी भी दी जाती है। उन जवानों को, उन परिवारों को कहीं भी आने जाने में हर जगह फैसिलिटी दी जाती है। जो जवान होता है, जो अच्छी नौकरी कर कराता है, वो भी सही जिंदगी गुजारता है। जिनका परिवार शहीद हो, जिनके परिवार से कोई जवान शहीद होता है, वो भी अपनी जिंदगी आगे अपने शहीद जवान को याद करते हुए अच्छे से गुजार देते हैं। लेकिन यहां बात करते हैं हम बैटल कैजुअलिटी की। कभी किसी ने सोचा इसके बारे में? बैटल कैजुअलिटी परिवार जो मुसीबतों में ही हमेशा उलझा रहता है, मुसीबतों में, ये अच्छे से दुख हम जाहिर कर सकते हैं, हमें अच्छे से पता है, मेरी माता जी को पता है, जिन्होंने शादी के बाद सिर्फ अपने 6 साल अच्छे से गुजारे हैं। उसके बाद 1998 से आज तक दुख ही दुख देखते आ रहे हैं। 1998 से आज तक हमारे सिर पर 18 लाख रुपए कर्जा हो गया है। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार सिर्फ हमारी भारतीय सरकार है। और यहां तक कि जब उनका, मेरे पिताजी का लास्ट टाइम था, फोर्टिस हॉस्पिटल चंडीगढ़ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी दौरान कुछ मीडिया वालों ने मेरे पिताजी को देखा, उनकी टांग कटी हुई थी और आर्मी केस था हमारा, और हमारे पास आकर उन्होंने पूछा हमसे कि क्या बात हुई है, इनको कैसे इनकी टांग कटी है। हमने पूरी कहानी बताई पिताजी की, उनकी बहादुरी जो उन्होंने की है, वो सारा कुछ मीडिया वालों को बताया। उन्होंने हमें सिर्फ एक ही बात कही कि आप हमें एक बार हाँ कीजिए, हम सिर्फ आज शाम तक, आप देखिएगा हेडलाइन बनेगी ये न्यूज, आज शाम तक सारे आपके आसपास आएंगे, आपको बहुत मदद करवाएंगे, सभी आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे। हमने अपने पिताजी को जाकर पूछा, जो आईसीयू में उस समय एडमिट थे, हमने कहा कि ऐसे ऐसे मीडिया वाले आए हैं, और हमने उनको अपनी बात बताई है, वो आपसे एक बार परमिशन लेना चाहते हैं कि वो मीडिया में बात रखना चाहते हैं। तो उस समय वो जवान जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, उस समय भी उस जवान के मुंह से यही निकलता है कि नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे हमारे सरकार की इंसल्ट हो। वो जवान जो मरते दम तक अपने देश की सरकार के बारे में सोचता है, लेकिन सरकार क्या उसके बारे में कभी नहीं सोच सकती? हम लोगों ने लगातार
2015 के बाद अपने स्टेट के हर मिनिस्टर से मिले, हर मिनिस्टर के पास गए। उन मिनिस्टर्स ने बहुत इज्जत दी, बिठाया बहुत इज्जत से, लेकिन हम लोगों ने जो काम बताया, अपनी समस्या बताई, उसके बारे में किसी ने भी हमारी बात नहीं सुनी और ना ही किसी ने कोई हेल्प की, किसी मंत्री ने नहीं। हमें अपने उन्होंने पर्सनल कुछ नंबर्स दिए थे, कुछ पीए के नंबर दिए थे, हम लोग जब फोन करते थे किसी ने कोई फोन अटेंड नहीं करना और ना ही कभी वो फोन लगने थे। उसके बाद हम अपने मिनिस्टर्स को कुछ अपनी ओरिजिनल फाइल दिलाते थे कि हमें पीएमओ ऑफिस में किसी से मिलाया जाए, किसी मिनिस्टर से मिलाया जाए दिल्ली में। तो कुछ मिनिस्टर हमारे एमएलए साहब थे, उनको हमने अपनी फाइल दी, जो इतने रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने हमारी फाइल ही गुम कर दी। एक वीर नारी जो इतना स्ट्रगल करती है, वीर नारी यहां वहां भटक रही है, उसकी फाइल को गुम कर देना कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है। ये वीर नारी, यहां तक कि हमारे देश के मिनिस्टर्स हमेशा मीडिया में आकर कहते हैं कि हम लोग अपने देश के जवानों के साथ हैं। क्या वो सच में अपने देश के जवानों के साथ में है? ये वीर नारी है जो उनके दफ्तरों तक जाती है। ये वीर नारी लगातार 2017 से 2017 और 2018 2 साल लगातार दिल्ली गए, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पीएमओ ऑफिस, इन तीनों दफ्तरों में गुहार लगाई मिलने की, लेकिन किसी ने मिलने के लिए समय नहीं दिया। इन तीनों ऑफिसों में यह बात कही गई कि मुझे चाहे 4 दिन यहां वेट करना पड़े, कोई बात नहीं, मुझे अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं मिल लूंगी, 4 दिन वेट कर लूंगी, लेकिन किसी ने भी वहां मिलने के लिए नहीं बुलाया। सिर्फ एक ही बात कही जाती थी कि आप यहां लेटर दे दीजिए, इसका रिप्लाई आपको जरूर आएगा, लेकिन उसका भी कुछ भी नहीं बना, किसी ने कुछ भी नहीं सुना। देश के मंत्री कहते हैं हम वीर जवानों के साथ हैं, वीर नारियों के साथ हैं, लेकिन वीर नारियों का हाल ये है, आज आप देख लीजिए। ये वीर नारी है जिन्होंने अपने पति को भी खोया, जिन्होंने अपनी पेंशन को भी खोया, जहां तक इनको स्पेशल पेंशन लगनी चाहिए थी वो भी नहीं लगी, सिर्फ फैमिली पेंशन इनको दी गई। क्यों? इनके सिर पर 18 लाख कर्जा हुआ, किसके कारण हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के कारण। हम गुहार लगाते हैं देश की सरकार से, इस वक्त जो देश की सरकार है वो बहुत अच्छे काम कर रही है, हम इसीलिए देश की सरकार से गुहार लगाते हैं कि रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री जी हमें सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आज तक लगातार मुसीबतें देखी हैं, हम लोग अपना बचपन अच्छे से नहीं जी पाए हैं, हम लोगों ने, मेरे माता जी ने आज तक मुसीबतें देखी हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम शायद इस वीडियो में बता भी नहीं सकते, इसीलिए हम रक्षा मंत्री जी से कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम दे। क्या रक्षा मंत्री जी के पास 10 मिनट का टाइम नहीं है वीर नारी जी से मिलने के लिए? वो हमेशा कहते हैं कि हम लोग इनके साथ हैं, लेकिन कृपया करके 10 मिनट का हमें टाइम दीजिए मिलने के लिए, ताकि हम अपने दुख आप तक बता सकें जो शायद इस वीडियो में ना बता पाएंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरी बात को मैं मानता हूं कि सरकार गंभीरता से लेगी और हमें 10 मिनट टाइम देगी मिलने के लिए, और हमारी जो मुसीबतें हैं वो सरकार जरूर सुनेगी और जरूर दूर करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरे बेटे ने अभी जितनी भी बातें बताई हैं, मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरी तकलीफ उससे भी 1000 गुना ज्यादा हैं। हमें पता है हमने कितनी मुसीबतें झेली हैं, और एक बैटल कैजुअलिटी कितनी मुसीबत, उसकी फैमिली, उसके बच्चे कितनी मुसीबतें झेलते हैं, कितने दुख दर्द सहन करते हैं। ये सभी बातें मेरे बेटे ने बताई हैं। अगर हम बताना चाहें तो हम 1 घंटा 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि हम 1998 से लेकर आज तक हमने काफी मुसीबतें झेली हैं। इसलिए मैं रक्षा मंत्री जी से निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, आशा करती हूँ कि हमें 10 मिनट मिलने का समय दें और हमारी विनती को सुनें।